पलामू जिले के डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर 9 बाल श्रमिकों को रेस्क्यू किया गया है। ये बड़ी कार्रवाई आरपीएफ के इंस्पेक्टर बनारसी यादव के नेतृत्व में की गई है। दरअसल बनारसी यादव को सूचना मिली थी कि डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन से बाल श्रमिकों की तस्करी की जा रही है। इसी सूचना के आधार पर जब पूरे स्टेशन परिसर में बनारसी यादव ने चौकसी बढ़ाई तो आखिरकार 9 बच्चों को बचा लिया गया। ये सभी 9 बच्चे चैनपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन्हें मुनीफ अंसारी नामक मानव तस्कर दिल्ली लेकर जा रहा था। कड़ाई से पूछताछ पर उसने बताया कि इन सभी बच्चों को खिलौना फैक्ट्री में काम करने के लिए झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस से ले जाने की योजना थी। इस पूरे मामले पर शहर थाना प्रभारी अभय सिन्हा ने बताया कि मानव तस्कर मुनीफ अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं रेस्क्यू किए गए सभी बच्चों को CWC को सौंपे जाने की बात कही। कल ये आरपीएफ इंस्पेक्टर जो है, एक गढ़वा रोड प्रभारी बनारसी जाकर, वो 9 बच्चों को रेस्क्यू किए। वो दिल्ली जा रहा था खिलौना फैक्ट्री में काम करने के लिए। उसी में बच्चों को रेस्क्यू किया गया है और जो ले जा रहा था उसको पकड़ा गया है। थाना में मामला दर्ज हुआ है। क्या आया सर, कहाँ जा रहा था? क्या दिल्ली जा रहा था? खिलौने की फैक्ट्री में काम कर रहा था।